नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज की वीडियो में जानेंगे कि कुछ फ्रेंड्स के कमेंट आ रहे थे मेरे पास कि सर मेरी जो जॉब है वो मेरी 6 महीने की जॉब हो चुकी है या मेरे 6 महीने से कम की जॉब है, तो क्या मैं अपना पीएफ तो निकाल ही सकता हूँ मगर क्या मेरी पेंशन सारी निकल जाएगी, नहीं निकल पाएगी। तो फ्रेंड्स कुछ फ्रेंड्स के ये भी डाउट थे कि उनकी जॉब है वो 6 महीने की हो चुकी है मगर फिर भी उनका पेंशन का पैसा नहीं आया है, तो फिर वो पैसा कैसे प्राप्त करेंगे। तो इन्हीं सारे टॉपिक पर आज की वीडियो कवर करेंगे कि आप पेंशन का पैसा आप कैसे निकालेंगे अगर आपकी जॉब 6 महीने है या उससे कम की है। तो ठीक है दोस्तों वीडियो स्टार्ट कर लेते हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट और रहेगी, आप चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए आगे भी इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। तो दोस्तों आपको यहाँ पे एक लाइव प्रूफ दिखाएंगे कि आपको किस प्रकार से अपनी पेंशन को कैलकुलेट करना है, कैसे आपकी पेंशन को विड्रॉल होंगे। एक फ्रेंड्स है जिनने मुझे अपना अकाउंट भेजा, उन्होंने कहा सर कि मेरा अकाउंट आप चेक कर लीजिए कि किस किस अकाउंट से मेरा पीएफ का तो मेरा विड्रॉल हो गया है मगर पेंशन का विड्रॉल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो आपको लाइव प्रूफ दिखाते हैं उस अकाउंट के बारे में जिससे आपको भी अपने अकाउंट के बारे में जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों होता क्या है, जैसे कि अपनी जो पीएफ होता है, पीएफ तो आपका चाहे 1 महीने का हो या 2 महीने का, कितने का भी पीएफ हो आपका वन टाइम में ही सारा सेटलमेंट हो जाता है। ठीक है, मतलब पीएफ आपका नहीं होता है, पीएफ मतलब एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर से। मगर जो पेंशन बचती है उसके लिए क्या करना होता है, अगर आपको 6 महीने से जॉब कम होती है तो आपका वो पेंशन फिर नहीं निकलती है। तो आपको फिर करना क्या होगा, आपको एक बोनस टिप्स बताता हूँ। आप किसी भी कंपनी में जॉब करें तो कम से 6 महीने से प्लस की जॉब करें, ठीक है ना, मतलब 180 दिन से प्लस की जॉब करेंगे तो आपका सारा पेंशन का पैसा निकल जाएगा। अगर आपकी जॉब 6 महीने से कम की होगी तो आपका वो पेंशन का पैसा नहीं निकलेगा, सीधा खाते में आपका पड़ा रहेगा। ठीक है, जैसे कि फ्रेंड्स मैंने आपको बताया मैं एक अकाउंट को लाइव प्रूफ दिखाऊंगा जिससे आपको समझने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि जैसे ही डेमो मिलेगा देखने के लिए तो आप सारे स्टेप आप क्लियर समझ पाएंगे। जैसे कि मैंने अकाउंट लॉगिन कर लिया है, यहाँ पे पासबुक शो करते हैं, यहाँ पे आपकी मेंबर आईडी होगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको खुद पता होगा कि यहाँ पे हम कैसे आते हैं, मैं इसके बारे में नहीं बताऊंगा ज्यादा कि वीडियो लंबी हो जाती है, आपको मेन मेन टॉपिक बताऊंगा। यहाँ से अपनी सेलेक्ट मेंबर आईडी, यहाँ पे आप सेलेक्ट मेंबर आईडी करेंगे तो आपके सामने आपकी कंपनी शो होती होगी। जैसे फ्रेंड्स हैं इनकी इतनी सारी कंपनियां हैं तो इन्होंने पूछा है कि इनमें से मैं किस किस का पेंशन का पैसा विड्रॉल कर सकता हूँ, तो वन बाय वन करके आपको क्लियर समझाते हैं। इसके लिए मैं फर्स्ट अकाउंट को क्लियर कर लेता हूँ। जैसे फ्रेंड्स इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप तो फ्रेंड्स इनकी फर्स्ट मेंबर आईडी चेक करते हैं, तो फर्स्ट मेंबर पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा व्यू पासबुक। यहाँ पे फ्रेंड्स अपने इस टाइप की आपकी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। यहाँ फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इनका यहाँ पे सिर्फ मात्र 28 रुपए पेंशन है। मतलब देखना चाहते हैं आपकी जॉब पीरियड कितना है, आपको यहाँ पे अपनी सेशन चूज कर लेंगे। तो सेशन चूज करेंगे आप देख सकते हैं सिर्फ इनकी यहाँ पे 1 दिन की जॉब थी, यहाँ पे जो इनका पीएफ अमाउंट था ये इनका क्रेडिट हो गया। मतलब मैंने बताया कि आपकी 1 महीने की अगर पीएफ होगा तो आप वो विड्रॉल कर सकते हैं मगर पेंशन आपकी विड्रॉल नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे इनकी ये विड्रॉल नहीं हो पाएगा। ऐसे ही प्रकार से दूसरा अकाउंट का लॉग इन करते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पे इनकी जो पेंशन है वो 10,000 रुपए की पेंशन शो हो रही है। अब यहाँ पे इनको देखते हैं कि इनकी जॉब टाइम कितना है, यहाँ पे आपका सेशन चूज कर लेंगे। तो यहाँ फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे आप महीने काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4 महीने यहाँ हो गए इनके और 4 महीने वहां है, और यहाँ पे देख सकते हैं कंस्ट्रीब्यूशन 5, 6, 7, 8, मतलब यहाँ से लगभग 8-10 महीने लगातार इनका कंस्ट्रीब्यूशन जमा हुआ है, तो इनका ये पेंशन का पैसा निकल जाएगा। मैंने कहा कि आपकी 6 महीने की प्लस की जॉब होगी तो आपकी ये पैसा निकल जाएगा। मगर फ्रेंड्स आपको थोड़ी सी जानकारी और देंगे, 6 महीने के लिए भी एक कंडीशन होती है कि 6 महीने में सबकी जॉब का पैसा नहीं निकलेगा। आपके कुछ फ्रेंड्स ऐसे होंगे जिन्होंने 6 महीने की जॉब की होगी फिर भी उनका पेंशन का पैसा नहीं निकलेगा, तो फिर वो पैसा कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये तो हुई इनकी जानकारी कि आप ये पैसा कैसे निकाल सकते हैं। आई होप समझ गए होंगे कि आपका पेंशन का पैसा कौन सा निकल पाएगा जो भी आपकी जॉब 6 महीने की होगी। मगर तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ कि जो 6 महीने की मैं जॉब बोल रहा हूँ, 6 महीने की जॉब से मतलब होता है आपका 180 दिन का कंट्रीब्यूशन जमा होना चाहिए। अगर आपका 179 मतलब 180 में से अगर 1 दिन की भी जॉब कम होगी तो आपका पेंशन का पैसा नहीं दिया जाएगा। ठीक है, आपको यही देखना होगा आपकी प्रोफाइल में, अगर आपकी 6 महीने की जॉब है या 6.5 महीने की जॉब है, आपके हिसाब से तो 6 या 7, 8 महीने की जॉब हो चुकी है, मगर जब टोटल कंट्रीब्यूशन होगा आपका क्या 180 दिन की प्लस की जॉब हो रही है, मतलब आपने इतनी छुट्टियां कर ली होंगी कि आपका वो 180 दिन के हिसाब से काउंट नहीं होगी। अगर आपकी आप चाहे 10 महीने जॉब करें, 1 साल जॉब करें, 1 साल की जॉब में अगर आपके 180 दिन की जॉब पीरियड नहीं होगा, 180 दिन की जॉब वर्किंग नहीं होगी, तो आपका पेंशन का पैसा नहीं दिया जाएगा। प्लस एक यहाँ पे एक बेनिफिट ये है पेंशन के लिए, एक अच्छी बहुत अच्छी बात ये है गवर्नमेंट की तरफ से, अगर आपकी जॉब 181 दिन की हो जाती है तो 1 दिन की एक्स्ट्रा जॉब होने के कारण आपको 12 महीने की पेंशन का कंट्रीब्यूशन दिया जाएगा। मतलब ये है अगर आपकी जॉब 6 महीने से कम होती है तो आपका पैसा नहीं दिया जाएगा, अगर आपकी जॉब 180 दिन से प्लस की हो जाती है, 181, 182, 183 दिन की हो जाती है, तो आपको जो 12 महीने की जॉब होगी उसके अकॉर्डिंग आपकी पेंशन दी जाएगी। आपको यही ध्यान रखना है, अगर आप किसी भी कंपनी में जॉब करते हैं
तो आपको 6 महीने से कम की जॉब नहीं करनी है, वरना आपका पेंशन का पैसा फंस जाएगा, ठीक है, मतलब वो नहीं निकल पाए। आई होप दोस्तों आपको सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ चुके होंगे क्लियरली। दोस्तों अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, और दोस्तों हमारे यार चैनल पर जल्दी से जल्दी 10K सब्सक्राइबर हो जाए तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे भी मुझे और अच्छी मोटिवेशन मिले। अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, उनसे बोलिए कि आप भाई के चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, सपोर्ट कीजिए, जिससे मैं आपको आगे भी इस प्रकार सर्विस प्रदान कर पाऊँ। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नए टॉपिक और नए डाउट्स पर, तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय।